खड़ा होता है। सबसे मैंने हाथ पैर धो रहे हैं, ये भी जान लीजिए कि मेरे घर के हालात बड़े नाजुक हैं। अब वाकई मैं धन्यवाद दूंगी अपने उन वकील महोदय का जिन्होंने मेरे साथ शिक्षा मित्र परिवार की लड़ाई को लड़े, निस्वार्थ लड़े। कभी ऐसा भी दौर आया भैया मैं फीस नहीं दे पाई, तब भी उन्होंने मोर्चा को थामा। और जब फाइल गई यूयू ललित सर और गोयल सर के पास, उन्होंने मात्र 2 सेकेंड लगाया, यूं फाइल देखा, शिक्षा मित्र बोला ये तो डिसीजन आप है। अब बताइए हम लोग जाए तो जाए किसके पास। इसीलिए जब आपने कहा कि माननीय न्यायालय के पास जाना चाहिए, तो सरकार के पास जा रहे हैं वो सुनने को तैयार नहीं, माननीय न्यायालय के पास जा रहे हैं वो सुनने को तैयार नहीं, इनके शीर्ष जज लोग बैठे। मैं माननीय महोदय को क्षमा चाहूंगी, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करूंगी, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, अरे इन बच्चों पर रहम करिए। आज ज्यादातर बहनें विधवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, माता पिता बूढ़े, जिनके घर में लाठी का सहारा था वो सहारा छिन गया है। 12,000 परिवार, आंकड़े छिपाती है सरकार, बहुत साफ मैं बोलूंगी, 12,000 परिवार अनाथ हुआ है। उस घर के बच्चों को रोटी देने वाला कोई नहीं है। सरकार कहती है कि जिनका मुकदमा दर्ज है उन्हीं आंकड़ों को हम मानेंगे। अब बताइए जिसके घर में मौत हो गई कोई पूछने वाला नहीं, जिसको ये नहीं पता है कि जीरो पे आप जाके मुकदमा दर्ज कराइए। भाई सभी को नहीं जानकारी है हर चीज की, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, हर बात की सबको नहीं जानकारी होती है। उन्होंने नहीं मुकदमा दर्ज कराया, बाद में उनका कोई मुकदमा दर्ज करने वाला थाने पे नहीं है। यकीन मानिए थाने पे एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है, दर्ज करने वाला नहीं है शिक्षा मित्र के नाम पर। तो जब जीरो पे मुकदमा होगा नहीं, थाना दर्ज नहीं करेगा, बिना मुकदमा के रिकॉर्ड सरकार मानेगी नहीं, तो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। तो मैं इस पे चाहूंगी कि राजेंद्र भैया हाथ जोड़ के विनती है कि किसी तरीके से विकल्प निकलवा दीजिए। आप लोग मानिंद हैं, आप लोग ज्यादा विद्वान हैं, हम लोग तो जितनी दुनिया में रहे उतने में ही हम लोग बड़े शांतिप्रिय ढंग से चल रहे थे, बड़े भोले भाले हम लोग थे। यकीन मानिए जब 2250 मिलता था ना, बड़े खुशी खुशी हम लोग रहते थे। लेकिन जैसे जैसे चक्की में हम लोग पिसते गए पिसते गए पिसते गए, इतनी सिवैया निकाल दी गई, इतनी बारीक बारीक कि वो दूध में कहाँ घुल जा रही है पते नहीं चल रहा है, इतने दर्द हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकी हुई है, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उनका उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इतनी वेदना हुई, और यकीन मानिए एक बेटी आपके घर की पूरे साल आपके दरवाजे पे आपके चौखट पे जाड़ा गर्मी बरसात आवाज देती रही, लेकिन बीजेपी सरकार सुनने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश का चैनल, यहाँ तक कि दिल्ली के भी चैनल, मिश्रा भैया के पास एक आध दो क्लिप मैंने भेजी, ग्रुप में भी भाइयों ने डाला, पुरानी यादें ताजा करके बहुत मूड अलग आया, लेकिन सारे धरे के धरे रह गए। हाई पावर कमेटी बना के वो छोड़ दिए। वही कमेटी आप बना के क्या करते हैं, आप अपने लोगों के लिए समय ले लेते हैं, हम लोगों को मूर्ख समझते हैं, और हम लोग आपके रास्ते को देखते रहते, 10 चक्कर लगाएंगे कोई सुनने वाला। उनके मंत्री नेता अंदर बैठे रहते हैं, बाहर आके फोर्थ क्लास एक लाइन में बोल देता है कि साहब नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जी। तो मैं चाहूंगी कि आप अजरक भाई कर दिया आप ही का सवाल है कि हाँ जी। मैं मिश्रा जी, ये जो बात इन्होंने कही है और अपनी वेदना बताई है, मैं फिर कहूंगा कि मेरे पास कोई बहुत इसका ठोस जवाब है नहीं। और ये सही है कि इन्होंने जो उदाहरण दिया कि जो हाई कोर्ट के जजेस थे वही अब प्रमोट होते सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और अगर इत्तेफाक से यही मामला उनके पास चला जाता है तब तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाती है। ये तो बिल्कुल समझ में आ रही है बात। फाइनली किया वो, उनकी पीड़ा ही है कि जब वो पहुंच गए तो मेरी फाइल ही वहां पहुंची उन्हीं के पास, उन्होंने कह दिया कि इस मामले में कुछ नहीं। हाँ तो ये तो अब यहां पर ही भूमिका शासन की है, इसलिए क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं मिश्रा जी और उमा जी, हम कोर्ट के सामने जब जाएंगे तो कोर्ट के सामने एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट होता है, वो आर्ग्यूमेंट एक लॉजिकल बेसिस पर होता है, कानून के आधार पर होता है। लेकिन
इसके ठीक उलट अगर हम शासन के पास जाते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जाते हैं।